Hello friends, I'm Shashi Nahata and welcome back to Masala Mystery. It's monsoon और इस monsoon में हम self lockdown में घर पे पड़े हैं कोरोना की वजह से काफी difficult समय से हम गुजर रहे हैं. इसके अंदर सारे housewives को ये डर बैठा है कि जो हम सब्जियां बाहर से ला रहे हैं या फिर बार बार मार्केट जा रहे हैं इससे बहुत सारी डिफिकल्टीज हो रही है. तो मैं आपको ऐसे टिप्स आज देने वाली हूँ जिसके अंदर जैसे आप गए बाजार और फिर घर पे एक ही बार बहुत सारा सब्जी लेके आ जाइए. बहुत सारे टाइम में ऐसे होता है कि इतने एसेंशियल सब्जी होती है जैसे करी पत्ता है, हरी मिर्ची है, धनिया पत्ती है, इतनी आदत हो गई है हम लोगों को कि भाई अदरक चाहिए ये सब चीजों के बिना तो हमने कुकिंग किया ही नहीं है. तो इस समय में इतना सा लेके आते हैं तो फिर वो बार बार मार्केट जाने का भी डर लगता है. तो आइए मैं आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से अदरक, करी पत्ता ये सब आपको स्टोर करना बताऊंगी जिससे दे विल नॉट लूज देयर फ्लेवर्स और वैसे के वैसे ही रहेंगे. और मैं बता रही हूँ पूरे गूगल को आप छान मारिए, सिर्फ और सिर्फ ये टिप्स मेरे पास ही मिलेंगे क्योंकि मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड खुद के बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाए हुए टिप्स है. तो आप जरूर लास्ट और एंडिंग तक ये वीडियो देखना ताकि सारे चीजों के अच्छे से स्टोर करने के लिए विदाउट टेस्टिंग, मतलब देखिए आप फ्रेश यूज करेंगे तो जैसे 100 होता है तो जो मेरे टिप्स से आप यूज करोगे यू कैन स्टोर देम फॉर मंथ्स. मतलब वही चीज आप 2-3 महीने बिना फ्रिज में रखे हुए आप कैसे स्टोर कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगी. हाँ चलिए फ्रेश के जितना नहीं रहेगा बट आई कैन गारंटी यू विल गेट 95% रिजल्ट with the things which you have stored even like 3 months back. So let's get started. करी पत्ता आप इतना ढेर सारा करी पत्ता आप लेके आ जाइए, बहुत सारा जितना आपको स्टोर करना है. आप बार बार मार्केट मत जाइए ऐसे टाइम्स में और धो के इनको आप ऐसे साफ कर लीजिए, ऐसे निकाल लीजिए इनके पत्तों को. और फिर मैं आपको बताती हूँ एक कढ़ाई गरम कर लीजिए कोई भी आप, स्पेशली अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो आजकल जैसे हम सब प्रिफर करते हैं लोहे की कढ़ाई, उसके अंदर आप थोड़ा सा तेल डाल लीजिए. तेल विल डिपेंड ऑन द करी पत्ता का क्वांटिटी यू हैव. सो से अबाउट जैसे आप सपोज ये एक बोल आपके पास करी पत्ता है तो इसके अंदर आप 2 टेबल स्पून तेल डाल लीजिए. और एकदम गर्म होने के बाद में जब ये एकदम गर्म हो जाए आपका तेल तो आप करी पत्ता को इसके अंदर डालेंगे. ओके ये देखिए और आप इसको मिलाते रहे और ये देखिए एकदम चटकने दीजिए और आप इसको कढ़ाई के अंदर क्रिस्प कर लीजिए. एकदम इसको अच्छे से क्रिस्प होने दीजिए और क्रिस्प होकर के जब ये करी पत्ता को आप स्टोर करेंगे तो बहुत ही इसका फ्लेवर रिटेन होगा और आपको मतलब महीनों तक आप इसको यूज कर सकते हो. इसमें आपको ना तो नमक डालना है, आपको कुछ भी नहीं डालना है, आप बिल्कुल इसको बस सिर्फ ऐसे फ्राई करके रखिए. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसको आप सुखा के रखिए बट फ्रेंड्स मैंने सब फ्राई किया है और सुखा के रखने से उसका फ्लेवर चले जाता है, इसका टेस्ट रिटेन नहीं होता है. तो सुखा के रखने से ज़्यादा अच्छा है आप इस तरह से करी पत्ता को मतलब इसको ऐसे फ्राई करके रखिए, एकदम क्रिस्प करके रखिए, इसको गीला नहीं रहना चाहिए. पत्ता बाद में जब ठंडा हो जाएगा आप तोड़ के देख लीजिएगा कि एक एक पत्ता इसका क्रिस्प हो गया है, नहीं तो वो मॉइस्चर से खराब हो जाएगा. बस जब भी आपको चाहिए आप इसको निकाल के यूज कर सकते हो. जब तक ये पत्ता मेरे ये करी पत्ते मेरे ये क्रिस्प हो रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ मेरे 3 महीने पहले के जो करी पत्ता मैंने रखा है. ये देखिए ऐसे, ये देखिए एकदम क्रिस्प है और इसमें ना ही कोई स्मेल है तेल की वगैरह. अगर आपको बहुत ज़्यादा दिन रखना हो तो 1-1.5 महीने के बाद में फिर इसमें आप स्टोर, इसको आप प्लास्टिक के जार में भी कर सकते हो और कांच के जार में भी आप स्टोर कर सकते हो. तो ये बहुत ही अच्छी आइडिया है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी. तो बनाइए इसे एकदम बस स्टोर करिए. फ्रेंड्स अब बारी आती है अदरक को स्टोर करने की. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप अदरक लेके आते हो उसको आप सोचते हो कि स्टोर करने के लिए
सौंठ का पाउडर यूज कर लो या कुछ और ऑप्शन, जैसे आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हो तो बहुत सारी रेसिपीज में ऐसा होता है कि सिर्फ आपको अदरक चाहिए और लहसुन नहीं चाहिए, या फिर आपको चाय में अदरक डालनी हो तो क्या करें क्या नहीं करें। तो सौंठ अगर आप डालते हो तो सौंठ का अपना ही अलग एक फ्लेवर होता है। और इस तरीके से अगर आप, मैं जो बता रही हूँ आपको, एक आपको मैं मीठी चीजों के लिए डालने के लिए अदरक, जैसे आपको चाय में अदरक डालनी है और आपने बार बार बाजार नहीं जाना है तो उसको कैसे आपको स्टोर करना है, वो मैं आपको अदरक की चाय के लिए जो आप अदरक बनाएंगे उसके लिए आपको बता रही हूँ। और एक मैं आपको सॉल्टेड बताऊंगी जो आप ग्रेवीज के अंदर यूज कर सकते हो और इसके साथ बहुत सारी रेसिपीज आप कर सकते हो। तो प्लीज आप इसको पेस्ट मत बनाइए, आप इसको ग्रेट करिए, बिकॉज यू विल हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस ओपन इफ यू आर डूइंग। बट अगर आपने पेस्ट बना दिया तो बहुत ही अलग डिफरेंट हो जाएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। वाटर कप इसको मैंने भर के लिया है, उसके अंदर आपको इसे डबल चीनी डाल के इसको मिलाना है और आपको जार में मिला सकते हो, इट्स इजियर। और जार में आप स्टोर करिए, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ये इसके अंदर डाल दीजिए और इसके अंदर आप इसके डबल चीनी, मतलब डबल नहीं, 1.5 टाइम आप चीनी एक बार आप मिला के देख लीजिए, कभी कभी आपके समझने में और मेरे बोलने में फर्क रह जाएगा, मगर आप देखिए क्योंकि वो अदरक सबकी अलग क्वांटिटी की क्वालिटी की आएगी। बस ये देखिए। अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज है, बिकॉज अभी मॉनसून है तो हो सकता है आपको ये रिजल्ट एक दिन के बाद में पता चले कि चीनी कम है या ज्यादा है। थोड़ा सा आप नेक्स्ट डे वापस हिलाओगे तो आप इसको स्मेल कर लीजिएगा, अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि इसके अंदर हल्की सी स्मेल आने लग गई है या खराब होने वाला है तो इमीडिएटली आप इसके अंदर थोड़ी और चीनी मिला दीजिएगा। और आई थिंक दिस इज इनफ। ऐसे देखिए, ये मैंने 4 महीने से पहले से बना के रखा है, 4 महीने से इसको मैं यूज कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा रहता है। आप इसको कभी कभी होता है ना कि आपको काढ़े में डालना है तो बच्चों को मीठा काढ़ा चाहिए होता है तो उसके अंदर भी आप डाल सकते हो, इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आफ्टर जिंजर, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड सोट है इतना अच्छा काम नहीं करेगी। सो ये बन गया आपका मीठा ऑप्शन, ताकि आप अदरक चाय बना सकते हो, कुछ भी मीठा में अगर आपको अदरक है, कैंडीज जैसे काम करते हैं, बहुत सारे रेसिपीज में हमको मीठे रेसिपीज में भी अदरक का फ्लेवर देना होता है, तो दिस इज द बेस्ट वे। अब आप हम आते हैं नमकीन के लिए। तो इसके अंदर जैसे ये एक है तो इसके अंदर आपको 3/4, ठीक है, अगर ये मतलब ये एक मेजरमेंट आप लेते हो, कोई भी मेजरमेंट, मतलब मेरा तो एक क्वार्टर कप है, तो आप इसके अंदर 3/4 नमक मिला दीजिए। आपका ये मतलब सालों तक खराब नहीं होगा, 2-3 महीने कहे तो सालों तक भी खराब नहीं होगा। और ये देखिए, लॉकडाउन के पहले मैंने नमकीन वाला बनाया था, कभी कभी मुंह खट्टा होता है या तबीयत थोड़ी खराब भी लगती है तो भी आप ये खा सकते हो, इसके अंदर नींबू मिला सकते हो। और ये तो बहुत सारे रेसिपीज में काम आने वाला है, आपको जितने सारे आपको चाहिए, जितनी तरह से आपको ग्रेवीज में डालना है, कुछ भी डालना है, आप आराम से डालिए, तो ये आपके बहुत ही काम आने वाली रेसिपी है। कैसे लगे आपको हमारे टिप्स? अगर पसंद आए तो प्लीज प्लीज वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, वर दे यूजफुल टू यू और नॉट। और मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो फिर और मैं बनाऊँ आपके लिए? मेरे पास बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूंगी, बट आई शुड नो दैट यू वांट इट, सो प्लीज प्लीज कमेंट करके बताएं। और किस टाइप के आप टिप्स जानना चाहेंगे वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाए, एंड इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि मुझे भी थोड़े सब्सक्राइबर्स मिले, एंड आई एम ऑल्सो एनकरेज टू डू मोर एंड मोर गुड वीडियोस फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मिस्ट्री, एंड ये यूजफुल टिप्स part 1 है। And if you are really liking it, then I'll make lot of more tips videos. So stay tuned. Bye-bye. Take care of yourself.